दुनिया में कई ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं जो खुद बहुत तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे माजी, हाल और मुस्तकबिल का दर्स मिलता है। ऐसे ही वाकयात में एक तकसीम हिंद में मुसलमानों की हिजरत है। सदियों तक साथ रहने और एक दूसरे की खुशी गम में शिरकत करने वाले पलक झपकते ही जान के दुश्मन बन गए। तकसीम हिंद दास्तानों की ऐसी किताब है जिसका हर सफ़ा खून के आंसू रुलाता है। घर छुटे, जायदादें लुटीं, बेटियां कुएं में डूब मरी, तो कहीं बाप औलाद को बचाते बचाते दम तोड़ गया। लुटे पिटे काफले, बिछड़ने वाले प्यारों को ढूंढती आंखें, इंतजार, उम्मीद और वसवसों के साथ नई जिंदगी की इब्तिदा। मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था, मेरा नाम शमीम बानो है और मैं सादात फैमिली से हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम सैयद अजमल हुसैन कासमी और मेरे तीन भाई, मैं एक बहन। दो भाई डेथ हो गए और एक बकैदे हयात है, वो बैंकों के यहाँ फैसलाबाद में बहुत बड़े अफसर थे, सैयद अजमल हुसैन कासमी। हामिद यासत पटियाला, ज़िला अम्बाला और कस्बा हमारा था बनूर, हम वहाँ के रहने वाले हैं। मेरे नान के दाद के एक ही फैमिली है, नानकों में ज़िम्मेदारा और हिकमत ये चला आ रहा है। वैसे हम सब लोग मुलाजिम पेशा भी हैं, दोनों ही कारोबार थे, जिम्मेदारी भी थी और मुलाजमत भी थी। मेरे वालिद साहब थे रेलवे में दिल्ली, 22 साल उन्होंने मुलाजमत की है रेलवे में। पार्टीशन के बाद फिर हम यहाँ आ गए मुल्तान, मुल्तान से फिर हमें जो अलीपुर ज़िला मुजफ्फरगढ़ है वहाँ से एक आए हैदरी साहब और उन्होंने कहा आप सादात हैं, हमारे शहर में सादात की कमी है, आप वहाँ चलें। फिर हम जितना भी हमारा अपना शहर का इलाका था वो एक ही जगह अलीपुर में बैठे हैं। वहाँ से फिर मेरे वालिद साहब मुजफ्फरगढ़ आ गए, उन्होंने बैंक में मुलाजमत कर ली। इसलिए कि पाकिस्तान ने जो हमारे अब्बाजी का रैंक था वालिद साहब का वो नहीं दिया उन्हें, उन्होंने कहा मैं अब आपकी फिर मुलाजमत नहीं करता। फिर वो बैंक में आ गए, बैंक से फिर हम बैंक वाले मशहूर हो गए, इसलिए कि मेरे भाई कज़न इवन के जो हमारे और रिश्तेदार थे दामाद वगैरह जो आए कुनबों में वो भी बैंकों में थे, हम बैंक वाले मशहूर हैं। 1947 की बेटा मेरी पैदाइश है, वहाँ का जो हमारा अपना रस्म व रिवाज था वो इतना आला किस्म का था, था तो वो एक कस्बा, लेकिन हमारे बड़े भाई जो थे अफजाल हुसैन रेड्डी तो वो कहते हैं मैं तमाम दुनिया फिरा हूँ लेकिन अपने जैसा माहौल लखनऊ के बाद था हमारे शहर का, रहन सहन बिल्कुल सादा, अमारत थी बहुत। हमारे जो नान के थे उनके गलों कानों में सोने के
बाले, हार हर वक्त पहने रखते थे। मेरे नाना जो थे वो मजिस्ट्रेट थे, वो मशहूर है चूड़ियों वाले, उनके मन्नत की चूड़ियाँ थी, वो सोना नहीं पहनाया उन्हें, इसलिए कि काफ़ी बच्चे मारने के बाद अल्लाह मियाँ ने उन्हें ज़िंदगी दी थी, तो वो चूड़ियों वाले मशहूर हैं, चूड़ियों वाले मजिस्ट्रेट। पर्दा बहुत ज़्यादा था हमारा जो एरिया था सादात वाले मोहल्लों का, उसमें कोई दूसरे लोग नहीं आते थे, जैसे कि हिंदू थे वहाँ सिख थे वो ही आते थे, जिन्हें बुलाया जाता था या अपने ज़मीनों पे काम करना था वो आते थे, बाकी और वहाँ कोई इशारा नहीं थी कि सड़कों पे जैसे आम लोग फिरते हैं, अब वहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं था। हद से ज़्यादा पर्दा था, डोलियों में आना जाना होता था, अगर किसी के गए हैं तो बाकायदा डोलियाँ आ गई हैं, उसमें पर्दे लगाए गए हैं दरवाजे से डोली तक, फिर उसमें बैठी हैं, फिर आगे मकान पे गए जहाँ भी जाना हुआ। हम यही सोचते थे, हमारे जो बड़े थे वो भी यही कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों का इलाका होगा, वहाँ कोई हिंदू नहीं होगा, कोई सिख नहीं होगा, और वहाँ बिल्कुल यही माहौल मिलेगा हमें जैसा कि हम यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन नहीं, उसके बरक्स है हर कुछ। या देख रहे हैं आप जो हालात हैं पाकिस्तान के, आज़ादी हद से ज़्यादा है, पर्दा नहीं है। हमारे तो औरतें भी पर्दा, औरतों से पर्दा था, हमारे बिरादरी की औरतें आई हैं तो बच्चियाँ उनके सामने नहीं आएंगी, वो अंदर कमरे में बैठने वाले जो आए हैं वो अपने अलग कमरों में बैठे हैं, जितनी देर बैठना है उतनी देर, बच्चियों सामने नहीं आएंगी। लेकिन अब वो माहौल नहीं है, हम अपना वही माहौल याद करते हैं, हमें वो ज़्यादा अच्छा लगा अपना माहौल। तो जितना अब है तालीम का मियार ना, इतना नहीं था, बहुत कम लोग पढ़ते थे। जैसे हमारे वाली साहब ने मैट्रिक किया और पटियाला यूनिवर्सिटी में टॉप किया उन्होंने, हमारे चाचे वो भी मैट्रिक पास थे, बहुत कम लोग ऐसे थे जो कि बीए पास कर चुके थे अपने हालात वाकयात के तहत थे। लेकिन मुलाजिम पेशा थे हमारे वाले साहब सारी उम्र, पहले अम्बाला छावनी रहे, सहारनपुर, अम्बाला छावनी, फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में जो हमारा अपना एरिया था वो था हिंदू राव बाड़ा, वहाँ तमाम अफसर कॉलोनी थी, वहाँ बाहर खेत थे अपने मकान के साथ, तो इतने में एकदम शोर मच गया, लड़ाई हो गई। CID का एक बच्चा आया वहाँ, उसे मुसलमानों ने खूब मारा। हमारे घरवाली तो औरतें परेशान हो गईं कि हुआ क्या एकदम, फिर बाद में पता चला कि तहरीक शुरू हो गई है, पहले से शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब ये आया था यहाँ के हाल हवाल मालूम करने, तो उसे मुसलमानों ने मारा है। उसके कुछ देर के बाद हम अपने शाहबाद आ गए, मेरे बड़े कज़न की शादी होने वाली थी, उसके बाद हम दिल्ली आए, हालात ज़्यादा ख़राब हो गए। हमारे वाले साहब ने कहा आप अपने शहर चलें जहाँ हालात इतने अच्छे नहीं हैं। इंदिरा गांधी थी उस वक्त, कभी राव बाड़े में जंग हो रही है, कभी दूसरे इलाकों में हो रही है। इंदिरा गांधी का एक असूल था, वो कहती थी मत मारो मुसलमानों को, ये हमारे भाई हैं। लेकिन नहीं,
वो अंदर से खुश नहीं थे। उनका ये था कि बाहर कह रहे हैं मुसलमानों को नहीं मारो, लेकिन आर्डर होता था कि न मारो। हमने ये इलाके खाली कराने रेली के, हम अपने शहर आ गए। मेरे जो छोटे चचा थे वो भी में ही थे, तो अम्मा ने हमारी ने कहना कि चलें दे ली। उन्होंने कहना अच्छा ये गुगे का मेला आ रहा है, ये देख के चलेंगे। कुछ दिन के बाद मेरे वालिद साहब आ गए और उन्होंने कहा कि अपना ना सामान थोड़ा थोड़ा पैक करना शुरू करो, हम पाकिस्तान चलेंगे। तहरीक जो है अभी पंजाब में बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। हमारी वालदा, हमारी नानी बहुत गरीब थी, उन्हें बताया कि क्या हो रहा है, क्यों सामान उठा रहे हैं। अम्मा ने कहा पाकिस्तान हिंदुस्तान दो हिस्से हो रहे हैं, तो हम वहाँ जा रहे हैं पाकिस्तान। उन्हें नहीं समझ आती थी, वो कहती थी मैं यहीं रहूँगी, तुमने जाना है चले जाओ। ऐसे नौकरी पे, जैसे वो समझती थी कि हम नौकरी पे जा रहे हैं वालिद साहब के साथ। फिर हालात इतने ख़राब हुए वहाँ पे, जो हमारे अब्बा जी के कुलीग थे उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें साड़ियाँ लगवाएं सबको, तिलक लगवाएं और हिंदू बन के यहाँ से चले जाएं आप, इसलिए कि पंजाब में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे। इधर लाहौर में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए, एकदम से निकलना आसान नहीं था बेटे। अपनी हवेलियाँ, अपनी जायदाद, हमारी नानी के 300 मकान रैयत का था जो हमारे नाना ने आबाद किया था, उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे। जो ये अपना खितेदार लोग होते हैं काम करने वाले, कोई तरखान थे, कोई हलवाई थे, कोई नाई थे, ऐसे उन्होंने कहा आप लोग नहीं जाएं तो हमारा पीछे क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान में तो आने का सबका जज्बा था कि हमने अपना एक मुल्क बनाना है जिसमें हमारी अपनी हुकूमत होगी। फिर हम बेटा रात को आदमी हमारे पहरा देते थे बाहर, असले नहीं थे किसी के पास भी। हमारे नाना को जो तलवार मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से सोने के दस्ते वाली, वो तलवार हमारे पास थी। बाकी ये लाठियों पे ना लोहे के इतने बड़े बड़े चाकू होते थे, वो लाठियाँ थी हमारे पास, उसे बल्लम कहते थे। वो रात को लेके सारे जवान बच्चे और आदमी वो पहरा देते थे कि कोई हिंदू ना आ जाए, सिख ना आ जाए। एक दिन रात को कहा कि अब ये शहर खाली कर दें, इसलिए कि यहाँ हमला होगा। वहाँ से बेटा हम रात को निकले, लेकिन अल्लाह की मदद हमारे साथ थी। इतनी बारिश हुई कि अल अमान अल हफीज, हमने ज़िंदगी में इतनी बारिश नहीं देखी कि हम अपने एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं आ सके, जबकि कमरे साथ साथ अटैच ही होते हैं, लेकिन नहीं। सब लोगों ने कहा बारिश हो रही है, अब कोई नहीं जाएगा, जो होगा देखी जाएगी। सुबह को पता चला कि जो हमने पुल क्रॉस करना था वहाँ हिंदू लोग सारे वो तैयार थे कि उन पे हमने हमला करना और उन्हें मार देना है। अल्लामिया ने हमें बचा दिया। उसके बाद फिर वहाँ एक थानेदार साहब आ गए, हमारे अब्बा जी उनसे मिले, बड़े लोग जो थे हमारे अपने शहर की वो उनसे मिले।
हमारे अब्बा जी से उन्होंने कहा कि हम मकान की अपने हवेली की चाबियां आपको दे के जाएंगे, तो लिहाजा आप एक वादा करें कि यहाँ से जितने भी हम लोग हैं मुसलमान वो बखैरियत तमाम पाकिस्तान चले जाएं, आप यहाँ से निकालें हमें आगे अल्लाह मालिक है। उसने कहा ठीक है। उसने कहा आप बेफिक्र रहें, मैं एक एक बच्चा यहाँ से खुद खड़ा होके ना आपको अंबाले भिजवा दूँगा। हमारी जो बुज़ुर्ग औरतें थी बूढ़ी, हमारी नानी दादी, उन्हें पहले गाड़ी में बिठा दिया था बस में कि आप चलें हम आ रहे हैं। बेटा जब वहाँ पहुँचे तो वो बस फुल हो गई, वो चली गई अम्बाले के लिए। हम अपने चचा के मकान में चले गए जो पास ही था। हमने वहाँ देखा कि हमारी वालदा नहीं नज़र आई हमें, मैं तो मेरा छोटा भाई, हमने हाथ पकड़ा और कहा कि चलो देखते हैं अम्मा कहाँ है। जब हम अपने घर गए हैं तो वहाँ हथौड़ों के साथ लोहे के जो वो ताले लगे हुए थे वो तोड़ रहे थे। हमने कहा क्यों तोड़ रहे हैं, उनका जाओ अब ये हमारा मकान है। हम वहाँ से वापस आए और कहा कि अम्मा हमारे मकान को तोड़ रहे हैं, ताले तोड़ रहे हैं और जल्दी चलो। उन्होंने कहा नहीं बेटा अब हम वहाँ नहीं जा रहे, कोई बात नहीं। हमारे पास कुछ नहीं था, औरतों पे बुरके थे और अपने बच्चे उठाए हुए थे, किसी के पास कोई सामान नहीं था, अलबत्ता जेवर जो था हमारा अम्मा का वो हमारे खालू के पास था शाहबाद में। शादी करने आए थे ना हम, तो अम्मा मैं ही रह गई थी कि यह हालात ख़राब है, आप भाई अपने पास ही रखें। हम वहाँ से अम्बाले आ गए बेटा। जब अम्बाले आए तो वहाँ हमारे चचा का मकान था, हमारा अपना भी था मकान। हम वहाँ गए हैं, कर्फ्यू ऑर्डर शुरू हो गया, खाने को कुछ नहीं मिलता था। हमें 24 घंटे में एक रोटी मिलती थी, हमें तो लगती थी भूख। हमने कहा नहीं डबल रोटी हो, मक्खन हो, ये हो वो। अब कहना पाकिस्तान जाएंगे ना फिर वहाँ खाएंगे। हमने कहना अच्छा। हमारे अब्बा जी का जो अम्बाले छावनी में सामान था वो भी अम्बाले रखा हुआ था। जब कर्फ्यू ऑर्डर खुलता तो फिर हम वो जाते सामान वहाँ, मेरे बड़े भाई जो थे दो, उन्होंने वहाँ किताबें बेचनी, जो सामान बर्तन पड़े थे वो बेचने, और जो हमें वहाँ दो दो आने चार चार आने मिलते उसके हमने छलियाँ वगैरह चने वगैरह लेने तो वो खा लेने। आटा नहीं लेते थे बाहर से, उसमें ये शीशा पीस के दे रहे थे कि लोग खाएंगे मरेंगे मुसलमान। बहरहाल बेटा यहाँ से मेरे भाई ने कज़न जो थे मेरे बड़े वो थे इंफॉर्मेशन ऑफिसर लाहौर में, उन्होंने यहाँ से गाड़ी भेज दी और कहना तजम्मल हुसैन का नाम लेके तुमने वो फैमिली में लेके आनी है। उन्होंने वहाँ जाना, ज़्यादा पैसा लेना, दूसरों को बिठा के ले आना और हम वहीं रह जाते। फिर वहाँ से ट्रेनें चलती थी अम्बाले से, हम ट्रेन में बैठ के आएंगे। उस ट्रेन का हाल ये था बेटा, जब हम स्टेशन पे गए हैं ना ऐसा लगता था कि जैसे तमाम दुनिया के लोग यहाँ आ गए हैं। गाड़ी की छतों पे थे लोग, गाड़ी के अंदर थे, बैठे नहीं थे, सब खड़े थे कि जितने खड़े रहेंगे उतनी जगह बनती रहेगी। रात को वहाँ से गाड़ी चली है, रास्ते में शोर मचा, गाड़ी रोक ली गई है। हमारी दादी ने तो हमारे जो दूसरे थे
उन्होंने तो रोना शुरू कर दिया कि हमारे बच्चे छतों पे बैठे हैं तो ऐसा ना हो मार दें। लेकिन शुक्र खुदा का जब हम पाकिस्तान पहुँचे हैं तो इन्होंने नारे लगाए हैं अल्लाह अकबर, और सब लोग सजदे में चले गए कि परवरदिगार शुक्र है तेरा हम अपने पाकिस्तान आ गए। हमने लाशें देखी हैं, हमारे अपने भी मर गए पाकिस्तान आते हुए। मेरे एक मामू थे, उन्हें शहीद कर दिया था। फिर हमारी बहन का एक बच्चा था, वो वहीं शहीद हुआ। शहर में कब्र खोदी, उसी तरह दफना के चले आए। लोगों ने टोकरों में अपने बुजुर्गों को उठाया हुआ था और सरों पे उठा के चल रहे थे, पैदल चल रहे थे काफले। हमने बहुत कुछ देखा और ये पाकिस्तान अल्लाह जाने कितने लोगों की कुर्बानी दे के ये पाकिस्तान बना है। इंडिया में हमने कैद आज़म को भी नहीं देखा, नहीं फातिमा जिना को देखा, लेकिन उनके फ़ोटो हमारे पास थे। जहाँ वो तकरीर कर रहे हैं वो फ़ोटो हमारे पास आते थे। फिर अब्बा जी, हमारे चाचा जी सब लेके आते थे, लेकिन हमने उन्हें बकैद हयात नहीं देखा। वो कहते थे कि ये हमारे बानी पाकिस्तान बनेंगे, ये हमारे लिए इंडिया के साथ अंग्रेज़ के साथ झगड़ा कर रहे हैं कि हमारा अपना मुल्क होना चाहिए, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, तो ये हमारे कायदे हैं, हमने इनका कहा मानना है और ये हमें पाकिस्तान अलग से लेके देंगे। पटियाले में तो कत्लेआम हुआ है, मुसलमानों को इतना मारा गया। बहादुरगढ़ के किले में वो लोग चले गए हैं सारे, उन्हें कहा गया कि तुम्हें महफूज करने के लिए हमने किले के दरवाजे खोले हुए हैं, यहाँ आओ। जब वो आ गए, जो उस वक्त का वहाँ का राजा था पटियाले में, वो अच्छा आदमी था, लेकिन उसकी बीवी जो थी वो सिख थे। वो गई, उसने बहादुरगढ़ किले का और जाके सारा मायना किया और कहते तुमने तो कहा था कि मुसलमानों को हमने ख़त्म कर दिया, ये तो यहाँ उसी तरह है। उन्होंने जवान लड़कियों के जुलूस निकाले मादरजाद लंगा करके, गोली चला दी, सब लोगों को वहाँ मार दिया गया। कुएँ जो थे पानी वाले वो भर गए, मुसलमान औरतों ने छलांगें लगाई उन कुओं में। पटियाले में बेइंतहा जुल्म हुआ, जैसा कि लाहौर में हुआ है। लाहौर में भी बहुत जुल्म हुआ है। जिन्हें हम अपना मकान देख के आए वो लाहौर के सिख थे। उन्होंने कहा था हमें सिर्फ जो है एक कमरा दे दें। हमारे वाले साहब ने कहा कि ये सारा मकान आपका, हमने तो अब रहना नहीं है, हमने तो पाकिस्तान जाना है। कत्लेआम तो बहुत हुआ, कम अज़ कम 5-6 लाख लोग मारे गए हैं। आज वो कहते हैं ये पनाहगीर हैं, महाजर हैं। हम पनाहगीर नहीं, हम तो पाकिस्तान बना के आए, अपनी सारी जायदादें छोड़ के आए, हवेलियाँ छोड़ के आए। जो वहाँ ऐश इशरत था वो हमें पाकिस्तान में नहीं मिला। चोरियाँ बहुत ज़्यादा हुई, सब लोग इकट्ठे होके थानेदार के पास गए। उन्होंने कहा जी तुम्हारा कोई शक है, लोगों से पूछो। उन्होंने कहा आप पे शक, जब से आप आए हैं चोरियाँ ज़्यादा हो गई। क्यों? जब तक पुलिस साथ नहीं होगी चोरी नहीं होगी। इतना लोग दबंग थे कि वो कतन परवाह नहीं करते थे, अंग्रेज़ का समाना था, जो बात करनी है साफ बात करो। थानेदार का तबादला हो गया, तबादला नहीं बल्कि उसे मुअत्तल करके घर ही भेज दिया उन्होंने। इंसाफ का ये हाल था। मैं यही कहूँगी कि हमें, अगर हम अपने इस्लाम के जो असूल हैं उन पे चलें, तो हमारे मुल्क में ये बच्चियों का अगवा, बच्चियों को कत्ल कर देना,
चोरियाँ डाके कराची में क्या कुछ नहीं हो रहा, ये सब ख़त्म हो सकता है अगर हमने इस्लाम की पैरोकारी ना की तो ये मुल्क बिल्कुल परेशान हो जाएगा, जैसा कि अब इससे भी ज़्यादा होगा। तो हमें अपने इस्लामी रस्तों पे, इस्लामी सज़ाओं पे चलना, काम करना चाहिए जिससे कि हमारे मुल्क में ये जुराम पेशा लोग ईमानदारी सब ने छोड़ दी है, हर कोई अपने अपने नफ्स का गुलाम है। क्यों? जब तक हम अपने जो हमारा मोहम्मद आले मोहम्मद का सबक था हम वो नहीं पूरा करेंगे हम कभी खुशहाल नहीं हो सकते। ईमानदारी इसे अपनाएं। हमने अपना जो ज़माना देखा है ना बेटा, हमारे बड़ी दिल्ली हैं, वहाँ से इतला आ गई है कि आ जाओ बच्चों को लेके दिल्ली। हमारी अम्मी अकेली अपने बच्चों को लेके गाड़ी में बैठ के दिल्ली पहुँच गए। किसी ने नहीं पूछा कि ये ज़ेवर तुमने इतना क्यों पहना हुआ, हम ये छीन लें। नहीं, हिंदू मुस्लिम बहुत इत्तेफाक से थे। इवन के शादियों में हिंदू लोग अपना अपना गिफ्ट लेके आते थे और कहते थे ये कुमारी कन्याओं की शादी हो रही है, ये हमारी तरफ से हमारी बच्चियों के लिए गिफ्ट है। अब मुसलमान मुसलमान नहीं दे रहा किसी को भी। मोहल्ले में कोई बात हो जाती है पता नहीं है, उन्हें हमारा पता नहीं, हमें उनका पता नहीं है, किस बात की मुसलमान नहीं होंगे। हमने अपने तौर तरीके ख़त्म कर दिए कि ज़माने ने अपना चलन बेच डाला। ये तब इतनी नागहानी आफतें, ये अल्लाह का अताब है, ये आजमाइश नहीं, आजमाइश होती है नेक लोगों के। हम तो गुनहगार आदमी हैं, बहुत ज़्यादा गुनहगार हैं। अंग्रेज़ों का ज़माना था, कोई परवाह नहीं थी, कोई हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर मुस्लिम भी कोई गलत काम कर गया मुसलमान के साथ तब अंग्रेज़ों ने भी इंसाफ से उसका फ़ैसला किया है।